बाद ये हमारी टीम हमारा की लाइब्रेरी है, तो आपका यहाँ पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने ई ग्रंथालय 4.0 जो हमने अपनी लाइब्रेरी में शुरू किया अभी हाल में। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम इससे बुक इशू और रिटर्न करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा EG4 है और ये यहाँ पे जो हमने बुक्स की एंट्री की हुई है 2087 हमारी बुक हैं और 260 मेंबर्स का हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिसमें 6 to 12 बच्चे और स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं। जैसे नीचे आप देख सकते हैं 166 हमने बुक यहाँ से इशू की हुई है ऑनलाइन। और अभी मैं आपको ऑनलाइन बुक हम कैसे इशू करते हैं स्टूडेंट्स को वो दिखाती हूँ। हमने अपने स्टूडेंट्स के जो आई कार्ड बनवाए हैं अभी उनके पीछे जो बारकोड छपवाए हुए हैं लाइब्रेरी के, जो एज ए उनका जो कार्ड होता है लाइब्रेरी कार्ड की तरह काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी का बारकोड है, तो इसी से मैं स्कैन करके इस बच्चे को इशू करती हूँ। तो हम यहाँ पे जाएंगे सर्कुलेशन में, इश्यू रिटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेंबर नंबर है, तो यहाँ पे हम मेंबर नंबर स्कैन करेंगे। ये हमारा स्कैन हो गया। जैसे इस बच्ची का रोल नंबर 38 है, तो 638 ये इसकी पूरी डिटेल आ गई, नाम, क्लास और मोबाइल नंबर वगैरह, जो जो हमने मेल आईडी जो भी हमने डाला हुआ है इसमें। इसके बाद यहाँ पे हम बुक की डिटेल स्कैन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बुक का जो एक्सेसन नंबर है 933 और ये इसकी पूरी डिटेल आ गई है, फोक टेल्स ऑफ गुजरात। और यहाँ से हम अब इसको इशू कर देंगे। तो बुक जैसे ये ऑलरेडी इशूड है, तो हम दूसरी बुक इशू करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं आइटम नंबर 923 इशू सक्सेसफुली, तो ये बुक इस बच्ची को इशू हो गई है। सेम इसी प्रोसेस से हम रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे रिटर्न करेंगे, जो अभी बुक हमारी ऑलरेडी इशूड थी, तो उसका हम यहाँ पे एक्सेसन नंबर डालेंगे। तो जैसे ही हमने एक्सेसन नंबर डाला, ये 6 की ही बच्ची सेजल शर्मा को इशूड है, तो इसमें डिटेल आ गई है और यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह हम बुक इशू और रिटर्न करते हैं। इसमें हमारी सारी बुक की डिटेल है। और इसके अलावा जो EG4 है हमारा, उसकी एक विशेषता और है कि जैसे EG3 जो था वो नेट से कनेक्टेड नहीं था, वो जहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया वहीं पे उसको काम, मतलब उस पर हम वहीं से काम कर सकते थे, वहीं से उसको चला सकते थे और उसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन EG4 जो है वो इंटरनेट की सहायता से हम कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। जैसे उसमें हमें घर पे काम करना है, तो हम घर पे भी सिस्टम पे उसको वहाँ पे नेट के माध्यम से ओपन करके काम कर सकते हैं। तो ये था ई ग्रंथालय के बारे में जो हमारे पास अभी शुरू हुआ है, और ये थोड़ी सी जानकारी थी। और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, तो वो फ्यूचर में हम उन पर भी और ज़्यादा काम करेंगे। धन्यवाद।